है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा पूरे में है सेकेंड दिन। तो आज हम लोगों सेकेंड दिन पे हम लोगों यहाँ पे जो साइट सीन है वो 9 जगह है, तो वहाँ हम लोगों घूमने के लिए जा रहे हैं। तो सब कुछ रेडी होने के बाद यहाँ हम लोगों का नीचे में कैब हम लोग कार वेट कर रही है, तो वहीं पे चलते हैं और चलिए आगे का दिखाते हैं हम लोगों को कहाँ कहाँ लेके जा रही है। तो वीडियो पर जरूर बनी रहिए। वहाँ का चाबी सब बोला। देखो, अरे चश्मा तो हम लोग नहीं लिया, चश्मा तो हम लोग लिया नहीं है। और हमारे रिमसी दी रेडी हो गई है। रिमसी दी कुछ बोलिए अपने फ्रेंड्स सबको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं, रेडी हो गए हैं। हम लोग घूमने जा रहे हैं, हाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे। बाबू यहाँ देखो, गुड मॉर्निंग। ये बाबू को देखिए, बाबू रेडी हो गया, घूमने जा रहे हैं ना। हाँ तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं साइट सीन करने के लिए यहाँ पे जो 9 जगह है। तो चलिए आगे का आपको व्यू दिखाते हैं। अभी हम लोग चंद्रभागा पहुंचे हुए हैं। नदी का दिखाता है चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच आ चुके हैं। नहीं है, इतना भीड़ नहीं है, बस जो भी होगा शाम को होगा, फिर भी देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे नहर काफ़ी खूबसूरत से दिख रहा होगा आपको। हम तो कह रहे हैं जाने को, हम लेकिन नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अभी और भी जगह घूमने को है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट कोणार्क टेम्पल। ये है अपना गाड़ी। तो अच्छा रही, चलिए चलिए दिखाते हैं फिर आगे का व्यू। तो ये है चंद्रभागा का मार्केट, यहाँ पे बस स्टैंड वगैरह है। तो समुद्र होटल अच्छी देखी। तो अभी हम लोग कोणार्क मंदिर को और जा रहे हैं। हम लोग अभी अपना जो फोर व्हीलर है उसे उतर के, ये है कोणार्क मंदिर का गेट घुसते हुए हम लोग। ये देखिए चश्मा वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, चश्मा तो लेंगे नहीं अभी, तो अंदर घुसेंगे। तो ये देखिए यहीं से कोणार्क टेम्पल दिख रहा है। और देखिए सामने से और भी बढ़िया व्यू, और भी खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, तो वो सामने से दिखा दें इस तरह का। ये देखिए टेम्पल बहुत ही अद्भुत लग रहा है, ये दूर से दिखाते हैं अभी सामने से। पैदल चलते हुए यहाँ पर हम लोगों को टूर्स गाइड की जरूरत ही नहीं है, पहले आप यहाँ पे खुद से भी यूट्यूब वगैरह पढ़ रहे हैं कि यहाँ कोणार्क टेम्पल क्यों क्या है स्टोरी वगैरह, इसलिए जान भी सकते हैं। तो हम लोगों ने कोई याद नहीं किया है, तो अभी लोगों जा रहे हैं। तो देखते हैं सर यहाँ पे टिकट लग रहा है, क्या लग रहा होगा वहाँ पे लिखा हुआ है, सुन रहा। तो यहाँ पे सन टेम्पल जाने के लिए यहाँ पे टिकट लग रहा है, तो अभी हम लोग टिकट काटने के लिए जा रहे हैं। Thank you.
टिकट कर लिया है, ये 40 रुपये करके पर टिकट है। हम लोगों ने स्टार ले लिया, देख रहे होंगे कि अंदर घूमने के लिए टिकट लग रहा होगा, तो टिकट करेंगे फिर उसके बाद अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर का व्यू। ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं कोणार्क मंदिर की ओर, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बस चल रहे हैं। अभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएगा। हाँ देखिए यहाँ से ज़्यादा नहीं ट्रे जैसे होगा शायद से, तो हम लोग जा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर टिकट देने के बाद हम लोग अंदर घुस गए हैं, कितना ज़्यादा भीड़ है। जो ऑनलाइन कराए हैं उन लोगों का थोड़ा सा भीड़ है, हम लोगों ने तुरंत ही कर लिए हैं, अभी चल रहा है की ओर। देखिए भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, अब देखते स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। क्या करना है, इस यहाँ चलते हैं, इस सर से क्या से पहले, चलिए तब यहाँ चलते हैं पहले। तो ये देखिए अच्छा ज़्यादा भीड़ है, भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं अभी। सही में क्राउड बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे तो पता नहीं चलता कितना यहाँ पे भीड़ होता भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। देखिए पहले सीधे चलेंगे कि राउंड राउंड लेंगे, पहले एक काम करें पहले साइड से चलते, पहले ऊपर चल जाते हैं ना, फिर इसके बाद चलिए, फिर चलिए ऊपर चलिए चलिए। देखिए फिर अभी हम लोग फिर ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद एक राउंड ले लेंगे यहाँ पे। थोड़ा ध्यान दिया अभी उधर से हाथ दे दे। ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं अभी ऊपर से। अभी फोटो नहीं लेंगे, बाद में फोटो लेंगे, ठीक है, देख लेते हैं पहले आँख से देख लेंगे पहले क्या। ये देखिए कितना किस तरह से भीड़ है, दिख रहा होगा, देख रहे हैं यहाँ पे पूरा इतना भीड़ है। इस साइड से भी दिखाते हैं रुकिए आपको, लेफ्ट साइड से। ये देखिए टेंपल इस साइड से भी है, इस साइड से वही टेंपल है, वहाँ जाएंगे, देखते हैं इस साइड से होते हुए। अब आए हैं तो पूरी पूरी देख लेते हैं पूरा पूरी कि किस साइड का है। चलिए ऊपर चलिए, हाँ चलिए पहले देख लेंगे, उसको थोड़ा जाना होगा। ये है कोणार्क मंदिर, 12 बजे के बाद का तो अच्छा, वहाँ से पार नहीं देता ना। यहाँ से और यहाँ सीढ़ी हम लोग आगे की ओर जाएंगे, वहाँ से उतरेंगे फिर उस साइड चलते हैं। देखो लेंगे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, देखो ना मंदिर पकड़िए, देखो आप फोटो देखना पूरा मंदिर पकड़िए अपने हाथ, दिखता है क्या? नहीं दिखता वही। ये देखिए कोणार्क टेम्पल सामने, कुछ इस दिखता है सामने से। ये देखिए सामने से, और इस तरह सामने से नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे दरवाजा गेट ही बंद है। ये है साइड का व्यू, ये टेम्पल का व्यू, और वहाँ पे कह रहे करते बहुत कुछ वहाँ बना हुआ है, पर इतना सामने से आपको नहीं दिखाएंगे। देखिए चक्री है और भी बहुत कुछ है, बननी है। ये दिखाते हैं आपको एक राउंड,
श्री पांच मंदिर की। तब आपका देखिए साइड भी शायद पहले जमाने में दरवाजा बनाया हुआ होगा, इसे बनाने वाला था, पर यहाँ से बंद है, उस साइड से भी बंद है। देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत अच्छा तो दिख रहा है, अच्छा बना हुआ। पहले जमाने का कार्य करते कुछ अलग अलग होता है। कोणार्क मंदिर है, उसका पीछे का भाग है, यह है बैक साइड का। पहले जमाने में वहाँ पे भी मंदिर वो बना कर रहा था, या फिर कुछ भी बनने वाला था शायद से, अभी भी अधूरा है वहाँ देखने में। तो ये है बैक साइड कुछ इस करता इस टाइप का, और कैरेगर देख रहे होंगे इस टाइप का सामने से बना हुआ बहुत कुछ। ये कुछ इस तरह सा है, इसके बैक साइड पे छोटा सा ये ग्राउंड है, ग्राउंड बोर्ड सॉरी पार्क, ये जो भी है बैठने बैठने के साइड से। और इसके बावजूद यहाँ पे कुछ बना हुआ है, पर आगे से दिखेगा कि क्या बना हुआ है, पता नहीं यहाँ पे क्या बना हुआ है। मंदिर ये लेफ्ट साइड का व्यू है, यहाँ पे कुछ बना हुआ पता नहीं, पता तो नहीं चल रहा है क्या बना हुआ है। हाँ क्लियर नहीं बना हुआ, आधा अधूरा है, क्लियर नहीं बनाया। हाँ तो इस साइड से भी है, यहाँ पे भी पहले अगर गेट बनता तो कभी यहीं से भी गेट होता, पर यहाँ पे भी बंद किया गया है, ये देखिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोणार्क मंदिर यहाँ पे देख लिए, जो कोणार्क यहाँ बना हुआ है, उसके बाद से अभी हम लोगों चलते हैं आगे डेस्टिनेशन, जो आगे हम लोगों का जो भी है, तो चलिए आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। उसके बाद निकलते हुए हम लोगों को यहाँ पे नवग्रह मंदिर यहाँ पे मिला, उसके बाद से यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया है, और यहाँ पे दीदी ले रही है मोती वाला माला, ये देख रहे हैं यहाँ पे है नवग्रह टेम्पल यहाँ पर है। तो फिर अभी हम लोग जाने का रास्ता इस साइड से ही, तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। तो अभी हम लोग यहाँ से मंदिर से निकल गए हैं, तो अभी हम लोग पहले जाएंगे कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे, उसके बाद ही देखते हैं आगे का प्लानिंग क्या है, और पैसा वगैरह भी निकाल लेते हैं अभी हम लोग उनका। गाइड करने वाला तो कोई है नहीं, हाँ तो जो है ड्राइवर जो है हम लोग का, वही बताएंगे हम लोग कहाँ जाना है कहाँ नहीं। निकलने के बाद यहाँ पे लोकल यहाँ पे जो भी मार्केट वगैरह काफ़ी सारा है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्या बोल रहे हैं। चलिए तो हम लोग गाड़ी वहाँ पर है, चलिए हम लोग गाड़ी साइड है। ये देखिए यहाँ पे काजू वगैरह भी है, इतना किलो किलो में बिक रहा होगा पता नहीं, बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मार्केट वगैरह भी है, बहुत कुछ है, अच्छा सही है। तो यहाँ पर बहुत कुछ है, मार्केट है, लेने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे पी लेते हैं, यहाँ पे लेने के बाद फिर चलेंगे। दीजिए दीजिए तब ये देखिए पूरा नेचुरल यहाँ का जो है। वाटर है।
फुल पानी यहाँ कोई मगजमारी नहीं। ये हम लोग नारियल पी लिया, अभी इसको खाने खाते हैं इसको। अभी हम लोग घूमने के बाद अभी आज यहाँ लंच कर लेते हैं। आज ब्रेकफास्ट तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट लंच ही करेंगे, उसके बाद से फिर चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हम लोगों का होगा। तो अभी हम लोगों का लंच हो गया है, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अपना गाड़ी इधर में है, ये देखिए अपना गाड़ी। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं अगले मोड़ की ओर। और अभी हम लोगों का बहुत ज़्यादा लॉन्ग दूर आने के बाद, जैसे कि हम लोगों का वहाँ कॉनेक्स से कॉनेक्ट टेम्पल के यहाँ कम से कम जो अभी हम लोग पहुँचने वाले खंडागिरी ना, हाँ खंडागिरी पहुँचने वाला है। यहाँ पे कम से कम 50 किलोमीटर आसपास का है, तो होने के बाद ही हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। रुकिए, जाके वीडियो कॉल करेंगे, टावर नहीं मिल रहा है। हाँ यहाँ पे क्या क्या धोलीगिरी, अच्छा धोलीगिरी है, हाँ तो यहाँ पे धोलीगिरी अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लगा अभी हम लोग यहाँ पे बस में सोते सोते आ रहे हैं, बस वो रिसोर्ट अपना कैब में। यहाँ हम लोग कम से कम डेढ़ घंटा लगा ना, हाँ डेढ़ घंटा लग गया हम लोगों को। अभी दिखाते हैं आपको अंदर में किस साइड का है, क्या क्या वहाँ पे है खंडागिरी में, देखते हैं। अभी हम लोग गाड़ी ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, और देखिए आपको यहीं से दिख रहा होगा, बहुत टाइम लगने के बाद अभी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और भी बहुत कुछ जगह हम लोग घूमने का बाकी है अभी, अब देखते हैं कितना अच्छा हम लोग घूम पा रहे हैं। कोशिश करेंगे हर जगह पर टाइम हम लोग बचा बचा के घूमेंगे। ये थोड़ा सा हाइट है, देख रहे होंगे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, ये है धौलागिरी। ये हम लोग का घूमने का में से एक जगह ये भी है, देख रहे होंगे। ये है धौलागिरी, ये अद्भुत नज़ारा। इस साइड से आपको दिखाते हैं पहले। अब फोटो में जो घूमने वाला जो टूरिस्ट साइट सीइंग टूरिस्ट में पोस्टर में रहता है वो वाला रहता है ये चीज। अब ये धौलागिरी को और जाते हुए दिखाते हैं धौलागिरी में आखिर क्या है खाने को है। यहाँ पे एक बुद्धा का टेंपल है, ये प्रसाद वगैरह यहाँ पे। तो ये है मेन इसको देखने के लिए सब आते हैं, देख रहे हैं बुद्धा का मूर्ति बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह सा है। और अब साइड दिखाते हैं, ये है साइड का भी, यहाँ पे व्यू अच्छा है। ये यहाँ पे स्टोव वगैरह नॉर्मल लगा हुआ है कुछ लेने के लिए भी। ये साइड से भी ये देख रहे होंगे, साइड का व्यू ये है धौलागिरी के नीचे जो है बुद्ध टेंपल, इसके नीचे से जगह है यहाँ पे। ठीक है, छाया है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठंडा हवा हवा दे रहा है। अब ये टेंपल के बैक साइड का सीन है, ये नजारा है ये कुछ इस तरह। ये है बैक साइड का सीन, ये बैक साइड का नजारा है। ये बैक साइड से भी शायद इसका दरवाजा टाइप बना हुआ होगा, आगे का मॉडल और पीछे साइड का डिज़ाइन दोनों सेम ही है। हाँ आगे का डिज़ाइन और पीछे का डिज़ाइन दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे मूर्ति बैठने वाला यहाँ बनाया हुआ है बुद्धा का। यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, सामने से दिखाते हैं चढ़ते हुए। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बहुत डिज़ाइन तो बना हुआ है साइड वगैरह में, और यहाँ पे बुद्धा भगवान का यहाँ पे मूर्ति भी है, स्टैचू बना हुआ देख रहे होंगे। देखिए फिर अभी आपको साइड से दिखाते हैं,
दीवार वगैरह में बहुत कुछ बना हुआ है, कारागरी किया गया है, ऊपर साइड भी है, दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर शेर भी बनाया हुआ है, देखिए साइड भी सेम है, साइड भी एक बना हुआ है। अब इस साइड से निकलने का है, देखिए तो हम लोग यहीं से आए थे, अब यहीं से वापस आएंगे। सारा सराउंड सब डिज़ाइन सेम है, बस यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो बना हुआ अलग अलग है। इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है पर मैं उतना पता नहीं इसका स्टोरी का, जो भी है। तो देखिए ये फ्रंट साइड है और वो जितने आपको लगे दिखे थे वो बैक साइड का है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ धौलागिरी घूम लिए हैं, धौड़ीगिरी घूम लिए। ज़्यादा बड़ा प्लेस नहीं, छोटा प्लेस पर अच्छा है, बुद्धा का टेम्पल भी है। तो उसके बाद से अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अभी चलते हैं हम लोगों। नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? नंदन गार्डन। हाँ, नंदन गार्डन जाएंगे। तो अगला टूरिस्ट प्लेस हम लोग आ चुके हैं, लिंगराज टेम्पल। अभी पहुँच गए हैं अपना गाड़ी से, ये देखिए यहीं से दिख रहा है। तो हम लोगों ने अपना जूता जो है गाड़ी में खोल दिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल से। अभी हम लोग लिंगराज टेम्पल यहाँ तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे अंदर जाने अलाउ नहीं है अभी। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसी वजह से जाने नहीं दिया जा रहा है। मंदिर अभी बंद है, तो हम लोग यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे, यहाँ तो घुमा नहीं पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे वीडियो। तो हम लोग नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगला कहाँ पर है। तो अभी जब हम लोग गए थे वो गए थे लिंगराज टेम्पल, जो कि वहाँ पे काम चलने की वजह से बंद है। तो फिर अभी हम लोग कौन दूसरा वाला जा रहे हैं नंदनकन कुछ नाम है, तो नाम बोल नहीं पा रहे, तो वहीं हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वहीं कहीं। अब यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी है, क्योंकि यहाँ से लगभग एक घंटा का रास्ता है। और यहाँ पर क्या है कि एक स्पीड लिमिट है गाड़ी में, 40 से 60 तक चला सकते हैं इसे, ज़्यादा नहीं चला सकते हैं, यहाँ का ये रूल है। अगर उससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा चलाते हैं स्पीड में, तो आपका अलग चलान कटता है। यहाँ पे हर रोड में हर जगह पे आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो हम लोग आराम से जाएंगे 60-70 के स्पीड में। तो नेक्स्ट नंदनकन में चलिए फिर मिलते हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग और एक जगह पहुँच चुके हैं, यहाँ पे है नंदनकनन। एक घंटा का ट्रैवल करके कार में तो हम लोग नंदनकनन पहुँच गए हैं। आपको दिख रहा होगा एंट्रेंस, यहीं से घुसेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको घुसने से पहले टिकट करना होगा। यहाँ पर एडल्ट के लिए 50 रुपये, बच्चा के लिए 3 से 12 साल के जो बच्चा होगा उसके लिए 10 रुपये। तो हम लोगों का टिकट हो चुका है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे, देखते हैं घूमते हैं यहाँ पे। के जू के अंदर घुसने के बाद हम लोग एक दिखने को स्टार्टिंग में दिखने को मिला है भालू नंदनकनन के पार्क में। अभी हम लोगों ने शेर वगैरह देख लिया, भालू देख लिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे में एलिफेंट है, एलिफेंट तो हम लोगों ने देखे हैं नॉर्मली भी, फिर भी देखते हैं यहाँ पे किस तरह का वाइट एलिफेंट है, ब्लैक एलिफेंट है। बाद एक जगह पर हमें शुतुरमुर्ग देखने को मिला, ये देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा है। ये अपने जमशेदपुर में भी है, जमशेदपुर में देख चुके हैं, अभी देख रहे होंगे। देखिए इन को ऊपर ना बैठ के सवारी भी कर सकते हैं क्या, गंदी बड़ा है, देख रहे हैं कितना सारा है। देखिए उस साइड भी है, देखिए नहीं हम देख चुके हैं वो सफारी से ही देख चुके हैं। कैमरा सताइए अलग जाली सब नहीं आएगा। हाँ रहना तो आने में ठीक है, तब देखिए देखो उसका पीठ का नक्शा दिखाता है, देखो हिल नहीं रहा है, स्टेचू जैसे लग रहा है, लेकिन हाँ स्टेचू लगा है, वरना फिर आप बोलेंगे जिंदा है, वो खा रहा है, वो देख रहे हैं। देखिए यहाँ हम लोग नंदन पार्क घूम रहे हैं तभी से,
तो यहाँ हम लोगों को ज़्यादातर यहाँ पे हम लोगों को शेर दिखने मिल रहा है, कभी वाइट शेर, कभी अफ्रीकन शेर, कभी इंडियन शेर, कभी अमेरिकन शेर, यहाँ पे ज़्यादातर शेर ही शेर भरा पड़ा हुआ है। तो हम लोग को फिर भी ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे, कितना वीडियो बनाएंगे शेर वगैरह का, कि कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बस नॉर्मल देख रहे फिर पार कर रहे हैं। पहुँच चुके हैं यहाँ पे मगरमच्छ सब है, घड़ियाल सब के मगर पर जो भी है असली वाला सोया हुआ, साइलेंट होके आँख बंद करके आँख खोल के देखिए यहाँ पे घड़ियाल है, इस तरह इतना साइलेंट होकर सोया हुआ है, इतना सारा देख रहे होंगे देखा है, पूरा भरा पड़ा हुआ है और उस साइड भी है मगरमच्छ है, और देखो उधर भी पत्थर देखिए घड़ियाल इधर भी है और देखिए उस साइड भी है, सब सोया हुआ अभी देख लो किस तरह का पैर सब छोड़ा हुआ, देख रहे ना मारा हुआ टाइप का, देखो तो उठा के फेंक दिया ना, किस तरह सोया हुआ सब एकदम मरा हुआ टाइप का सोया हुआ है, देख रहे ना पापा बाय कर दो, तो अभी हम लोगों ने यहाँ से इंटर कर लिए हैं, यहाँ से इसे जितना भी इस साइड में हम पर घूम लिए हैं देख रहे होंगे, तो अभी हम लोगों का जो घूमना होगा ये इस साइड से घूमेंगे ऊपर साइड से ये वगैरह, उधर से घूमने के बाद फिर गेट नंबर 2 से निकल जाएंगे, ये हम लोगों नीचे का पोजिशन जो है सारा घूम लिए हैं, तो चलिए चलते हैं फिर ऊपर की ओर, अब यही रूट से। तो अभी हम लोगों ने घूमने के बाद थोड़ा सा भूख लगा है तो हम लोगों ने समोसा पार्सल करा लिया है और अभी गाड़ी में खा रहे हैं, और अभी तो हम लोगों को आगे डायरेक्ट अभी होटल ही जाएंगे क्योंकि और घूमने का जगह तो अभी बंद हो चुका है, ये देखिए और एक हमारे दोस्त पीछे में है वो दिख रहे हैं, ये देखिए इस साइड से देखो सर, ये देखिए समोसा पार्टी, तो अभी हम डायरेक्ट होटल चलेंगे फिर प्लानिंग करते हैं कल के लिए, और जिनका जल लेक जाएंगे या फिर कहाँ जा रहे हैं, हाँ ये देखिए चम्मच, तो ठीक है चलिए फिर आपको आगे दिखाते हैं आगे कौन सा वीडियो बना रहे हैं हम लोग, एक जगह रुक के अभी चाय रहते हुए ये पेट पकड़ो ना, पेट पकड़ लो, पकड़ो पकड़ लो, अच्छा है तो अभी हम लोगों ने एक जगह रुके हुए चाय पीने के लिए, तो अभी थोड़ा कुछ चाय पी रहे थे, तो अभी हम लोगों ने चाय पी रहे हैं, ये देखिए यस चाय चाय वो सब मरा के प्लान ना चाहे प्लान चाहे ना चाय पीस लो, ये प्लान बड़ा अच्छा है, चाय डाल दे जाऊं मुझे बैठे बैठे चाटा रखो हां दे दे देना को वो दे देने दीदो मास्टर तो अभी हम लोगों ने चाय पी लिए हैं अभी फिर, और हम लोगों का 20 किलोमीटर आस पास बाकी है, तो अभी हम लोग 100-100 की आ रहे हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ इतना कुछ घूम चुके हैं ना, घूमने के बाद अभी थक चुके हैं, अभी उसके बाद से फिर वहाँ पहुँच के थोड़ी देर करेंगे फिर अभी कल के लिए, फिर कल सोच रहे कहाँ घूमेंगे उसके लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं, ये पर हम लोग को घूमने में यहाँ पर क्या है कि पूरी से हम लोगों को ज़्यादा हम लोगों ने भुवनेश्वर साइड की है, कम से कम 9 साइड में घूमना था, 9 साइड नहीं घूम पाए तो हम लोगों ने 6 साइड घूमा हुआ है और 2 साइड बाकी रह गए कि वहाँ पे 5 बजे तक ही खुले रहता है, तो हम लोगों ने जितना उसे घूम पाए बाद में क्या हम लोगों को जगह छोड़ दिए, अब देखते हैं कल का प्लानिंग क्या करते हैं, तो चलिए फिर अभी घर की ओर चल रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे रात के डिनर के लिए खाना पैक करवा रहे हैं, ऑर्डर दे चुके हैं, तो फिर अभी देखते हैं कितना ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, ऐसे यहाँ पर रोटी तो 5 रुपये पीस है, सही है एक तरह से, अपने वहाँ की वहाँ भी उतनी प्राइस है, तो बस राइस पैक करवा रहे हैं 4 जगह, क्वान्टिटी सही है 60 रुपये 70 रुपये कुछ आसपास है वेज, तो पैक करवा रहे हैं यहीं पे, तो अभी आपसे देख रहे होंगे अपन खाना बाहर से ऑर्डर कर चुके हैं, कल के से ये भी उसी होने वाला है, यहाँ पे हम लोग रूम में बैठ के खाएंगे, बाहर बाहर बैठ के क्या खाएंगे
और हम साथ में एक्सपीरियंस खा रहे हैं। लेकिन अभी भैया जो भी मिड रेंज का प्राइस है सेम घर का जैसा टेस्ट है, प्राइस भी सेम वही अकॉर्डिंग है जो आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाता है, हाई प्राइस नहीं है। ठीक है, चलिए हम आपको दोबारा मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे पूरी का थर्ड पार्ट में, क्योंकि हम लोगों का आज का डिनर है, यही साथ में ही एंडिंग करते हैं, क्योंकि हम और लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, जितना भी हम लोग आज सुबह शूटिंग कर चुके हैं। तो चलिए थैंक यू, बाय बाय। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा और कल भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, गुड नाइट।